मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आपको मैं जरूर पेश करता हूँ, जिन इलाकों से या जिन घरों से जो कोरोना के मरीज पॉजिटिव निकल आते हैं, तो जो पुलिस के कांस्टेबल्स हैं वो उस वक्त क्या रोल अदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कासिम अली। जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इकदाम भी किए जा रहे हैं, लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है लाहौर शहर में। तो इस मौके पर डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इनके साथ साथ अगर मैं जिक्र करूँ लाहौर पुलिस के जवानों का, सिटी ट्रैफिक पुलिस के जवानों का, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 112 का, तो वो बेजाना होगा। इन इदारों ने बहुत मेहनत की है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, जबकि दूसरी जानिब मुसलसल लॉकडाउन से जो दिहाड़ीदार तबका है उसको सख्त मुश्किल का सामना है। लोगों के पास बिलों के पैसे नहीं हैं देने के लिए, इसके अलावा खाने पीने की अशिया नहीं है शहर में लोगों के पास, तो यूटिलिटी स्टोर्स भी देखेंगे और उसके अलावा देखेंगे कि लाहौर शहर में गरीब जो है वो लॉकडाउन के दौरान ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। तो शहरी जो है वो मुसलसल लॉकडाउन से जो है वो अजीब मुश्किल का भी शिकार हैं और उनको जो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो आज हम इस रोज़ स्पेशल में ये देखेंगे कि शहरी जो है वो किन हालात में गुजर रहे हैं और महकमे क्या कर रहे हैं, तो मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा नाज़रीन, अगर बात की जाए यहाँ पर लाहौर पुलिस की काफ़िशों की, तो जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त चल रही है लाहौर शहर में, तो लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए लाहौर पुलिस ने जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं और लाहौर पुलिस का हर जवान कांस्टेबल से लेकर कैपिटल सिटी पुलिस चीफ लाहौर तक जो है उन्होंने आवाम की रहनुमाई में अहम किरदार अदा किया है। नाके लगाए गए हैं और नाकों में जो शहरी घरों से निकलते हैं तो उनको वहाँ पे मोटिवेट करके उनको वापस घरों में जो है वो भेजा जाता है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कैपिटल सिटी पुलिस चीफ जुल्फकार हमीद साहब, तो मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आपको मैं सलूट पेश करता हूँ कि आपने बड़ी एफर्ट की है और बहुत अच्छा इस वक्त आप जो है किरदार अदा कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि अभी तक आपने जो लॉकडाउन के दौरान जो कुछ किया है तो वो बताएँ ताकि नाज़रीन को पता चल सके कि लाहौर पुलिस जो है वो क्या कर रही है। इस वक्त तक हमने को तकरीबन 240 पॉइंट्स जो हैं उन पे अपने स्पेशल चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं और हमारी कोई इस वक्त 7,000 के करीब नफरी जो है वो डिप्लॉयड है और हम अब तक को 51,000 से ज़्यादा कल शाम तक लोगों को चेक कर चुके हैं और उसमें उनको मोस्टली हमने उनको वापस भिजवाया है। कोई 125 के करीब हमने FIRs भी रजिस्टर की हैं और इसी तरह शॉर्टी बॉन्ड्स लिए जाते हैं, उनको नोटिस इशू किए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन मेनली हमारा जो फोकस है वो इस पर, जो मैंने 50,000 से ज़्यादा लोग बताए और को 39,000 व्हीकल्स आपको जो बताई हैं उनको रोक के चेक करके और उनको वापस भिजवाया गया कि वो घरों को जाएँ और अपना जो हमारा ये लॉकअप है और होल्डअप है इसको हम कामयाब करें ताकि किसी लॉकडाउन में किसी को कोई लोगों ये बीमारी को जो फैलने से हमने रोकना है तो ये हम सब ने मिल के रोकना है, ये हम सबका एक यूनाइटेड कॉज है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिन इलाकों से या जिन घरों से जो कोरोना के मरीज पॉजिटिव निकल आते हैं तो जो लाहौर पुलिस के कांस्टेबल्स हैं वो उस वक्त क्या रोल अदा कर रहे हैं? देखें, शुरू से हमारी SOP ये है कि जहाँ पर भी कोई इस तरह का केस होता है तो उस वहाँ हमारी पुलिस की टीम हेल्थ के और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहाँ पर जाती है। कई जगहों पर हमें रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ा है और उसके लिए हमने उनको कहा है, वहाँ पे हमें अक्सर अपनी गार्ड ड्यूटी भी लगानी पड़ी है कि अगर कोई ज़रूरत है वहाँ पे तो उनको किया जाए और जहाँ जहाँ पे हमने देखा है कि हमारे अपने लोगों को कोई ज़रूरत है उनके लिए भी हमने हर तरह की जो चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड। किट्स वगैरह जो हैं जो कांस्टेबल को किट्स फ्राहम की गई हैं? जी, कांस्टेबल्स को हमने सबको एक तो जो हिफाजती किट्स वो भी फ्राहम की हैं, मास्क, सैनिटाइज़र्स, ग्लव्स, ये सबको हमने प्रोवाइड किए हैं हर चेक पॉइंट पर भी और उन जगहों पर भी जहां वो जाते हैं तो अपनी ड्यूटी करने के लिए जो जो उनको चीज़ें चाहिए वो मुकम्मल उनको दी गई। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फकार हमीद साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी कि जो लाहौर पुलिस है वो इस वक्त फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल्स के स्टाफ के साथ, पाकिस्तान आर्मी, पंजाब रेंजर्स और लाहौर पुलिस जो है वो शहरियों की मदद कर रहे हैं। तो हमें भी जो है वो पुलिस के साथ तावन करना चाहिए, अगर पुलिस आपको वापस भिजवाती है तो पुलिस के साथ बहस व मुबासा ना करें। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
ये जितनी फैमिली जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं इनके घर पे फाकी हो गए, बच्चों को भूखा मारे, कोरोना से मरेंगे भूख से मरेंगे। बड़ी मुश्किल है जिंदगी, आवाम की मदद कोई नहीं करता, ना खुद कमाना और खुद खाना। नाज़रीन प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त शहर लाहौर में लोग कोरोना से मरे या ना मरे लेकिन भूख से ज़रूर मर जाएंगे, लेकिन गरीबों की भूख मिटाने के लिए मुखय्यर हज़रात की जानिब से खसूसी जो राशन प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट किए गए हैं। हुकूमत को भी आगे आना चाहिए ताकि ये जो गरीब लोग हैं, मेरा कैमरामैन पहले ये ज़रा विंडो दिखाए, विंडो में दिखाए कि बाहर देखें कितना रश, और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ अंदर जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं और लोग खवातीन मर्द जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ राशन लेने के लिए खड़े हैं। तो हम एक जगह यहाँ पर पहुंचे हैं, THA का ये इलाका है, तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस ट्रस्ट के रवा हैं अपना गयास साहब, तो मैं इनसे बात करता हूँ। गयास साहब बताएं कि लोग तो बेचारे भूख से मर रहे हैं। देखिए जी, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है, बेरोज़गारी है और लोगों को नौकरियों से जवाब मिल गया, आमदन कोई नहीं है। हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है हम इनको राशन बाँट रहे हैं और ये फ्री राशन बाँट रहे हैं। लोग हमें डोनेट कर रहे हैं, उसका राशन खरीद के हम इन लोगों को फ्री दे रहे हैं ताकि अपना सिलसिला चला सके। अच्छा, ये बताएं कि आप एक राशन, एक फैमिली को एक राशन दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या दे रहे हैं? इसमें जी 3 किलो ऑयल है, इसमें 2 किलो चीनी है, इसमें दालें हैं 4-5 किस्म की, चाय है, दूध है और तकरीबन कुछ 1 महीने का तकरीबन एक चावल है, 2 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है और आटा 10 किलो साथ दे रहे हैं इनको। तो मुझे ये बताएं इतनी बड़ी तादाद में आप कैसे कवर करेंगे? नहीं, इतनी बड़ी तादाद में तो हम नहीं कर सकते, एक खास हद तक ही कर सकते हैं। जितना भी हमारे पास फंड आता है हम अपने पास से भी डाल रहे हैं। लोग बहुत दे रहे हैं, बहुत दुनिया दे रही है, दे रहे हैं लोग, लोग बहुत दे रहे हैं माशाल्लाह। ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, हम सबसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अरेंज करके और इन लोगों को दे रहे हैं। तरीकाकार क्या है आपका? हम लोगों को, लोग आते हैं, हम उनके ID कार्ड लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, अब ये देखते हैं कि अगर वो मुस्तहिक हैं तो उनको हम ज़रूर देते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा कि ये बेरोज़गारी, अभी लॉकडाउन हुआ है, लोग तो भूख से मर जाएंगे। बिल्कुल इस तरह ही है, बहुत बुरे हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से, पूरी दुनिया में बुरे हालात हैं। तो आपको तो पता है पाकिस्तान तो हम वैसे ही 3rd वर्ल्ड कंट्री में आते हैं, तो जिस तरह यहाँ लोगों का हजूम लगा हुआ है आप देख ही रहे हैं। हर ये तो एक सिर्फ लाहौर शहर की बात है, आप बाकी जगहों पर देखें जो हालात हैं, तो ये तो बहुत, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि लोग जो है इस मुश्किल दे रहे हैं आगे आ रहे हैं और इस मुश्किल के वक्त में अपनी आवाम का, गरीब आवाम का साथ दे रहे हैं और हम उनकी मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, होप आप लेफ्ट और ट्रस्ट भी जो है वो दे रहे हैं लोगों को चीज़ें, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो गरीब हैं, उनको कैसे मिलेंगे? तो ये खतून मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ, क्या हो गया पाकिस्तान में कोरोना वायरस लॉकडाउन, तो कैसे खाना खाएंगे आप लोग? बस ये काम शाम भी रुके हुए सारे, ना को काम है ना कार है, इसकी वजह से लोग सारे मजबूर हैं, तो इस वजह से हम लोग आए हैं इधर। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4। तो वो 4 बच्चों का आप कर लेंगे गुजारा? बस कर रहे हैं, हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं, उनको भी छुट्टियाँ हुई हैं, बस घर में ही, कभी किसी से लेके। आप कहाँ से आई हैं? गुलबर्ग से। गुलबर्ग से आई हैं? तो हालात तो आप देखें, क्या कोई हुकूमत ने कोई मदद दो दी आपको? हमें कोई नहीं मिली। नहीं दी? अच्छा नाज़रीन, ये जरा कैमरा मैन बाहर आया, एक मिनट, ये जरा बाहर के मनाजर दिखाएं। ये हैं DHA के मनाजर, आप देखें कि ये गरीब लोग हैं और ये कोरोना से मरे ना मरे लेकिन भूख से ज़रूर मर जाएंगे। तो इनका जो वाली वारस है वो किसी ना किसी ने तो बनना, तो मुखय्यर हज़रात जो हैं उनको इस वक्त अशद ज़रूरत है, अपनी दौलत छुपा के ना रखें, अपनी दौलत इन गरीबों पे जो है वो निशावर करें ताकि ये भूख से ना मरें। तो कोरोना वायरस के हमले भी जारी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मुखय्यर हज़रात हैं उनकी जानिब से जो है वो राशन देने का सिलसिला भी जारी है। गयास साहब, ये बताएँ, कोरोना वायरस नहीं ख़त्म हो रहा, लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या हालात क्या देख रहे हैं आप? अभी तो आगे बहुत मुश्किल आएंगी जी, अभी ये कोई वक्ती तौर पर तो ख़त्म नहीं होने वाला, इसको 2-4 महीने तो लगेंगे। अब लोग बहुत दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, अभी हमें आटा नहीं मिल रहा। अब हमने ये प्रोग्राम बनाया जो राशन के साथ हम लोगों को कैश प्लस पैसे देते हैं। देखे ना, लोगों को तो उन्होंने कहा हजूम इकट्ठा ना करें, लेकिन ये लोग राशन के लिए इतना कि वो आगे चलेंगे, ये कुछ चीज़ देख ही नहीं रहे। लोगों की मजबूरी है, ये जितनी फैमिली जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं इनके घर में फाके हो गए, हम भी एक लिमिट तक ही जा सकते हैं, हम हर बंदे को तो नहीं फीड कर सकते, जो जहाँ तक हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं और अल्लाह खैर करे, इतने लोग मुहैया हैं, इतना दे रहे हैं, ये इंशाल्लाह विल कम ओवर इट। मैं ये ज़रा बाहर चलता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं इनसे बात करूँ, तो बात करने की कोशिश करता हूँ। किधर से आई हो? राशन लेने। कहाँ से? राशन। आपको पता कोरोना वायरस चल रहा है, आपने राशन डाला हुआ है तो कहाँ से? कोरोना वायरस कहाँ से खाएं?
खाने नहीं है, भूखे मरे। सवाल भी है ठीक है इनका, जो आप के कहाँ से खाएं? भूखे मरे बच्चे, भूखे भूखे सवेर में गुलबर्ग से हैं। आप गुलबर्ग से सोचते रोड से? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं और ये राशन भी इन्होंने जो है रखा हुआ है, जो गरीबों को दिया जा रहा है। तो नाज़रीन प्रोग्राम में आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। ये जितनी फैमिली जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, इनके घर में फाकी हो गए, बच्चों का भूखा मारे, कोरोना से मरे या भूख से मरे। बड़ी मुश्किल है जिंदगी, आवाम की मदद कोई नहीं करता, ना खुद कमाना और खुद खाना है। अच्छा नाज़रीन, हमने एक लॉकडाउन के दौरान जो शहरियों की मुश्किलात हैं वो जानने के लिए हमें घर में आए हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आपके जी? कैसे? ये आपने बिल पकड़े हुए हैं हाथ में? जाहिर बात है, जब बिल ही पकड़ने हैं हाथों में, इसलिए कि किराएदारों का तो बहुत बुरा हाल है। किराए के लोग हम लोग क्या करेंगे, बस यही नहीं समझ आ रही। सलोन था भाई का, तो वो भी बंद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध बच्ची बेचारी पीती है, जो दूसरा है डिब्बे का, तो बड़ी मुश्किल है ज़िंदगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने बिल आए हैं आपको? अभी मेरा 2 माह का पहले से बिल है, यानी कि 1 माह का पहले का और 1 माह का आपका, ये 2 माह के किसके बिल हैं? मेरा कैमरामैन दिखाएं, पानी का बिल है। हाँ जी, तो ये 2 माह चढ़े हुए हैं, क्या वजह? सारी बात है, पिछले महीने पहले ही हालात अच्छे नहीं थे, तो पे ना कर सके, क्या पता था कि कोरोना का मसला बन जाएगा। अब ये कोरोना के मसले में से और ज़्यादा परेशानी आ गई है। कोई नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये बिल है और जिनके लॉकडाउन हुए हुए हैं, और लॉकडाउन की वजह से जो है वो सलोन वालों को तो बिल्कुल काम खत्म हो गया ना, क्योंकि हम सब का काम ही सलोन का था, तो जारी बात है डर लगता है कि किसी को भी हार लगाएं, उससे कोई प्रॉब्लम बन जाए तो क्या करेंगे हम लोग, इस वजह से हम बिल्कुल भी डरते हैं। तो आपकी कोई मदद की है किसी हुकूमत के? नहीं जी, हमारी किसी ने मदद नहीं की, किसने करनी? आवाम की मदद कोई नहीं करता, कोई नहीं कर रहा जी, ने अपना खुद कमाना और खुद खाना है। चले हम आपको SKN ट्रस्ट की तरफ से जो है वो देते हैं खाने पीने की चीज़ें। चलिए ठीक है, वो आपकी मेहरबानी है, वरना कोई मदद नहीं करता, कोई नहीं कर रहा जी। तो मुखिर हज़रात को आगे आना चाहिए, ज़ाहिर बात है। लेकिन तो ये बिल जो आ रहे हैं, इसके बारे में आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? यही कि हमारे बिलों के बारे में कुछ सोचा जाए, कि जब कमा ही नहीं रहे हमारे घरों के मर्द, तो पैसे कहाँ से आएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, खाएं, किराया दें या बिल दें, क्या करें? क्या करें, किराया दें, बिल दें, तो क्या करें? इस वक्त शहर लाहौर में यही सूरत हाल है। पीटीआई के थे इमरान खान को हमारी तरफ से सलाम है, हम इमरान खान की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, और खान साहब ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। देख लें खान साहब, आपके लिए ये स्पेशली पैगाम किसी ने अच्छा दे दिया है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं अभी भी आपसे लोग, लेकिन इनका जो है कुछ सोचें, इन गरीबों का कुछ सोचें, ताकि इनको जो है वो रोज़गार मिले, और इनके जो ये बिजली के बिल्स हैं इनका भी कोई मसला हल हो। और यही सिलसिला शहर लाहौर में चल रहा है कि जो लोग हैं उनके पास बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, तो शहरी सख्त तरीन मुश्किल का शिकार है। तो नाज़रीन आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। जितने फैमिली जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, इनके घर में फाकी हो गए, बच्चों का भूखा मारे, कोरोना से मरे या भूख से मरे। बड़ी मुश्किल है जिंदगी, आवाम की मदद कोई नहीं करता, ना खुद कमाना खुद खाना है। मैं आपको बताता चलूं कि शहर लाहौर में जो है वो शहरियों में एहसास तहफ्फुज़ पैदा करने के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो है वो फ्लैग मार्च भी किया जाता है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो डॉल्फिन फोर्स, पुलिस और रेंजर्स और पाक फोर्स जो है वो शहरियों को असासे तहफ़ुज़ फ्राहम करने के लिए जो है वो फ्लैग मार्च भी वक्तन फ़ौक्तन कर रहे हैं, ताकि शहरियों के अंदर जो है वो असासे तहफ़ुज़ पैदा हो। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर हम दफ़े 144 की, तो दफ़े 144 आप देख सकते हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं, और
इनसे बात भी करेंगे लोगों से कि इनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आटा मिल रहा है आपको। आटा अभी तो अंदर ही पड़ा हुआ है, पता नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा अभी तो। चीनी आई है, देखें चीनी का भी कोई पता नहीं अंदर है या नहीं है। अब ये देखें कि लोग जो है वो बड़ी बड़ी ट्रालियों में यहाँ पर सामान जो है वो अपने राशन जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो भाई कितने दिन का राशन? ये पूरे महीने का है, पूरे माह का ले लिया। हालात क्या जी? हालात क्या होते हैं? नहीं हालात का कोई मसला, ये तो रूटीन की चीज़ है। रूटीन की चीज़? हाँ जी रूटीन की चीज़ें। आप देखें कि यहाँ पर जो रूटीन की चीज़ें हैं सामान भी है, तो इनसे बात ये देखें लोग कैसे खड़े हैं। तो भाई कोरोना भी चला, आप थोड़ा सा फासला लेकर खड़े क्यों नहीं होते हो? तो यहाँ पर देखें कि लंबी लंबी लाइनें जो हैं आपने लगवाई हुई हैं। तो ये बताएं कि चीनी आ गई है? बिल्कुल आई, सुबह से चीनी आई है। और आटा? आटा भी है, अब मिलना शुरू हो गया है। सब मिल रहा है कंट्रोल प्राइस पे। बिल्कुल। तो एक बंदे को कितना दे रहे हैं? एक 5 किलो चीनी और एक आटा का थैला। 5 किलो का चीनी और एक 20 किलो वाला के 10 किलो? 20 किलो वाला। 20 किलो वाला। तो भाई कहाँ से आए हो आप, किधर से आए हो? यतीम खाने से। आप ये पीछे एक बार लॉकडाउन हो गया है और कोरोना भी एक तरफ वार कर रहा है, तो कोई त्याची तदाबीर भी बना रहे हैं कि नहीं? अब घर से निकलते ही नहीं है, मजबूरी है, ये राशन वगैरह लेने के लिए तो आना पड़ता है। सारी बात अब जिनकी मजबूरी है, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, यहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वो यहाँ फिर भूख से मर जाएं। तो सारी बात है वो बाहर आएंगे, तो जब बाहर आएंगे तो यूटिलिटी स्टोर में फिर लंबी लंबी लाइंस भी लगेंगी। तो ये देखें शहरियों से बात भी करते हैं। कैश काउंटर बहुत स्लो है इनका, इनको चाहिए कि कैश काउंटर बढ़ाएं ताकि ये रश ना लगे। क्यों जी? 2 काउंटर पड़े हुए हैं कैश काउंटर, 5 बंदे और बल्कि 10 बंदे और 10 औरतें इकट्ठे अंदर जा रहे हैं, इसके ज्यादा हम अंदर जा ही नहीं सकते। हमें तो इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ 2 बंदे और 2 औरतें लेके जाए। लेकिन ये फिर बाहर भी तो लाने लगे। भाई जी 2 काउंटर चल रहे हैं, आप बाहर बैठ के ना बात करें, अंदर 2 काउंटर चल रहे हैं। 10 बंदे आप अंदर जाए, मीडिया अंदर जाए, हमारी परेशानी भी सुने, 1 घंटे से खड़े हैं अंदर जाके कैश काउंटर। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कैश काउंटर बढ़ा देना, काउंटर बढ़ा दें। इस तरह करें अंदर आ ही जाए 2 मिनट। चले अंदर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर अंदर जो है वो क्या हालात चल रहे हैं, कि ख्वातीन भी लंबी लंबी लाइंस में यहाँ पे लगी हुई हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये किधर से आई हैं, किधर से आई हैं? ये पगडंडी से। आप कहाँ से आई हो? इधर से। आप किधर से आई हो? अवान टाउन से। अवान टाउन से। तो ये दूर दूर के इलाके हैं ये इस्लामिक बाल टाउन के, यहाँ पे लोगों को काफ़ी जो है वो मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है जी। अभी नहीं मैं चला रहा। ये देखें ये 2 काउंटर चला, मैनेजर है इधर? जी मैनेजर मैं इधर। तो मैनेजर साहब मुझे ये बताएं कि खाने पीने की जो अशिया हैं वो क्या क्या हैं? सर तकरीबन ऑलमोस्ट घर में जो इस्तेमाल होती चीज़ें अवेलेबल हैं। ये तो मेन जो हेड है इनका, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं हर जगह पे चीनी और आटा अवेलेबल है। ये कल तक तो नहीं था? कल तक नहीं था, कल छुट्टी थी ना, परसों भी नहीं था। परसों बिल्कुल नहीं था, परसों आटा एक दिन छोड़ रहा, अब आ गया। और ये आटा मियारी भी है कि नहीं जी? आटा मियारी भी है सर, बेहतरीन आटा है। जो अगर किसी को पसंद ना आए खुला वापस कर देते हैं हम, खुला वापस कर देते हैं। तो आप बताएं, ठीक है मियार? हाँ जी, अब बहुत अच्छा आटा है। तो आप किधर से आई हैं? हम समनाबाद से। समनाबाद से आई हैं सामान लेने? जी जी। तो कितने दिन का सामान लेने आई हैं? हम 8 दिन का। 8 दिन का सामान लेने आई हैं। तो लॉकडाउन भी हो रहा है, कारोबार भी नहीं है? हाँ जी जी, मर्द तो सारे घर बैठे हुए, आपको पता है, किसी से उधार लेके तो फिर ये राशन डाल रहे हैं ताकि अचानक बंद हो गए थे ना, इसलिए। ये आप ये देखेंगे लोगों के पास अब जो है वो पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं, कि लोग उधार लेने में मजबूर हैं, लेकिन अब तो उधार देने वाले भी उधार नहीं देंगे। मैं सिर्फ आपके मीडिया से एक तवसत से आपके लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि कम से कम उतना इस्तेमाल करें, उतना सामान लें जितनी ज़रूरत है। ये ज़रूरत से ज़्यादा लोग अपना इस्तेमाल करें, इसलिए चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। देखिए फिलिंग के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। सारी बात है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे वो तो। किसी को अगर 2 चीज़ों की ज़रूरत है ना, तो वो दे रहा है 10 चीज़ें ले रहा है। मेरी गुजारिश है चीजें खत्म नहीं होंगी, हम लोग इंशाल्लाह तावन करें। अगर तरीके से इस्तेमाल करें, तरीके से इस्तेमाल करें, लें उतनी जितनी चीजें उनको जरूरत है। जरूर भाई, कितना लिए ये चीजें आप? मैंने चीनी लिया और आटा लेने लगा। कितने लिया चीनी? चीनी 5 किलो लिया। 5 किलो? अच्छा, ये जो ज्यादा चीजें लोग स्टॉक करी जा रहे हैं घरों में, ये इसका क्या फायदा होगा भाई? दूसरों को भी नहीं मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। गलत क्या करना चाहिए कि लोगों को किस तरीके से जरूरत की अशिया लेनी चाहिए, क्योंकि जो खाने पीने की दुकानें हैं वो तो खुली हैं, वो तो उसमें शॉर्टेज कोई नहीं आ रही, तो फिर खरीद क्यों रहे हैं लोग इतने इतनी बड़ी तादाद? डर गए हैं लोग। डर गए हैं? डर गए हैं, लॉकडाउन हो गया ना, डर गए हैं, इसलिए उन्हें चाहिए थोड़ा स्टॉक करें। तो हुकूमत को भी यहाँ पे पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि लोगों को मजीद अवेयरनेस, जैसे वो कोरोना से बचाव की इत्यादि तदाबीर बना रहे, लेकिन लंबी लंबी लाइनों लगवाने से जो है वो कोरोना के मर्ज में इजाफा होगा। तो लोगों को ये बताएं, ये छोटी दें कि भाई आपके घरों में खाना
ملے گا آپ کو, آپ آئیں اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں. آج میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہاں جی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چاول بھی ہے یہاں پر اور یہ انٹی بھی کھڑی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی یہ کچھ جی کیا لیا ہے؟ ابھی تک تو مسالے لیے. اچھا ابھی تک مسالے لے رہی ہیں آپ. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر سامان تو کافی موجود ہے. تو یہ گھی جو ہے یہ جو آپ دے رہے ہیں, تو آئل تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے, پیچھے آئل پڑی ہوئی ہے ساری. دکھائیں. آئیں جی کیمرہ مین. اور یہ آئل ہے, یہ آئل پڑا ہوا ہے. اچھا یہ دوسری یوٹیلیٹی اسٹور پہ آئل کیوں نہیں مل رہا بھائی؟ آئی ڈونٹ نو. جہاں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ضرورت سے زیادہ کسٹمر ایک چیز اٹھا لیں گے نا تو فلنگ کے لیے ٹائم لگے گا. اب یہ دیکھیں ریک میرے بھی ختم ہو رہے ہیں, اب آہستہ آہستہ فلنگ ہو جائے گی. اب اسٹاک جیسے دیکھیں اتنا زیادہ گھی ہم نے اسٹاک کیا ہوا ہے کہ جس میں میرا خیال ہے کہ اگر آرام سے لوگ لیں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. ایک دن میں کتنے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ سر جی 800 سے 900 بندہ, 1000 بندے تک ہمارے پاس آتے ہیں ایک دن میں. شام تک لگی رہتی ہے ڈیلی, شام تک ڈیلی لائن لگی رہتی ہے. تو یہ ایک بھائی کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. جی بھائی السلام علیکم. دالیں کوئی نہیں ادھر مل رہی, ہم صبح سے 3 چکر لگائے ہیں, صبح سے 1.5 گھنٹہ باہر کھڑے ہیں پھر بھی ہمیں نہیں ملا. آپ جی دالیں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ دالیں شارٹ ہوئی ہیں, دالیں آ نہیں رہی. میرا خیال ہے میکسیمم کل یا پرسوں تک دالیں آ جائیں گی. دالیں تو کسی بھی اسٹور میں مجھے نہیں نظر آئیں. دالیں ویئر ہاؤس میں ہی ختم ہے نا سر, ہمیں دیکھیں سپلائی. اچھا ویئر ہاؤس میں بھی نہیں ہے کیونکہ مین ویئر ہاؤس تو آپ کے اس کے ساتھ ہی متصل ہے. ساتھ ہی ہے, اس میں ویئر ہاؤس کی دالیں ابھی نہیں آئیں. دالیں جیسے ہی آئیں گی آج میرا خیال ہے شاید آنی شروع ہو جائیں گی, پیکنگ ہو گئے کل تک انشاءاللہ اویلیبل ہو جائیں گے, کل ہو جائیں. یعنی کہ دیکھیں ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گی لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں نے صرف تو نہیں کھانا نا بھائی, خالی گھی تو نہیں کھانا. بات یہ ہے کہ خالی دالوں سے تو بیٹھنا, اس کی ضرورت کی ہر چیز پڑی اویلیبل ہے اور اتنا اسٹاک بڑا ہے کہ لوگ اگر آرام سے لے کے جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہوگا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا مینیجر صاحب کے, دیکھیں کہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ خالی گھی نہیں کھانا, انہوں نے خالی آٹا نہیں کھانا, ظاہری بات ہے وہ سالن بھی کھائیں گے. تو یوٹیلیٹی اسٹورز میں ہی جب دالیں دستیاب نہیں ہوں گی تو اوپن مارکیٹ جو ہے وہاں پہ پرائز بڑھیں گے. جو تاجر ہیں بڑے وہ تو پھر جو ہے ذخیرہ اندوزی کرنے کے پہلے ہی ماسٹر, ان کو تو کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے. قیامت بھی آتی ہوگی تو جو ذخیرہ اندوز ہے وہ تب بھی پیسے کمانے کے لیے کوشش کرے گا کہ میں پیسے کما لوں, شاید میں دوزخ میں جا کے پیسے کھا لوں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بات یہ کہ جب سے ٹرانسپورٹ اب کھل گئی ہے, میرا خیال ہے پرسوں گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ کھانے پینے کی اشیاء کی جو ٹرانسپورٹ چیزیں, دیکھیں ہماری چیزیں آنی ہیں کراچی سے, دالیں وغیرہ آنی ہیں سرگودے سے آنی ہیں, جب تک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی یوٹیلیٹی اسٹور کو جو سپلائی ہے وہ کس جگہ سے ہوتی ہے؟ بھیا مختلف ٹینڈر کے ذریعے مختلف کمپنیاں آتی ہیں اور جنہوں نے بھی دینی ہے ٹرانسپورٹیشن سے دینی ہے. جب ٹرانسپورٹ ان شاء اللہ کھل گئی ہے, پرسوں سے کھل گئی ہے میرا خیال ہے, ان شاء اللہ آج آ جائے گی یا کل. چلیں یہ خاتون سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو دالیں مل گئی ہیں؟ ہاں جی سارا کچھ ملا. آپ کے پاس تو ہے نہیں یوٹیلیٹی اسٹور میں, میں کہاں سے ملی؟ پرسوں کے لے کے گئی ہوں, آج نہیں. آج یہ چیز لینے تھی گھی, آئل اور چینی. اچھا تو آپ کو ملی ہیں دال؟ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے نہیں ہے دالیں, یہ ان کے پاس ہوں گی. ہمیں تو یہ دیکھیں صبح میرے پاس یہ 2 سلپس ہیں. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں, میری بات تو سن لینا. یوٹیلیٹی اسٹور کی میرے, میں سر آپ ہم ایک پیکٹ دے رہے ہیں, آپ کیوں دو دے رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ, یہ دیکھیں سلپ آپ کے پاس ہے, 10:34 پہ انلوڈ ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی آپ ادھر رک جائیں آپ کو بعد میں چینی ملے گی. یہ کون سی مینجمنٹ ہے؟ ہم نے 2 لینی, آپ دیکھ سکتے ہیں 2200 روپے کا سودا لے رہے ہیں اور ہمیں ایک چینی کا یہ پیکٹ اویلیبل نہیں ہے. آپ لے رہے ہیں تو ہمیں یہ کر رہے ہیں, دالوں کا ان سے جواب دیا نہیں جا رہا. آپ کو تو یہ دیکھو نا کہ بھائی 10 کلو آپ نے کیوں لے لی؟ میں نے یہ, ہاں جی یہ میرے بڑے بھائی کی اور یہ میری ہے. تو بڑے بھائی کے دیکھیں یہ حالات ہیں یوٹیلیٹی اسٹوروں میں کہ جو کسٹمرز ہیں ان کو اسپیشلی اتنا لینا چاہیے جتنا انہوں نے استعمال کرنا ہے, کیونکہ جب آپ زیادہ چیزیں لے لیں گے تو پرابلم ہوگی, شارٹیج ہوگی, چیزیں جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہوں گی. تو لائنیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ خواتین کی لائنز بھی لگی ہوئی ہیں اور مردوں کی بھی لائنز لگی ہوئی ہیں. تو ناظرین یہ حالات تھے یوٹیلیٹی اسٹوروں کے. تو ہم چلتے ہیں داتا دربار میں, جو دیہڑی دار طبقہ جنہوں نے لنگر ہی داتا دربار سے کھانا ہوتا ہے ان کے, وہ جو وہاں پر پردیسی ہیں ان کے کیا حالات ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, میرے ساتھ ہی رہیے گا. اچھا ناظرین یہ عورت موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. تو وہ آپ کو چیزیں مل رہی ہیں؟ چیزیں کیا ملیں گی, پیسوں سے چیزیں ملیں گی نا, پیسے نہیں ہوں گے چیزیں کہاں سے لیں گے؟ 12-12, 15-15 ہزار کرائے کا دے, بل دیں کہاں سے دے, بچے بھی گھر میں خود بھی گھر میں کہاں سے دیں؟ آپ وہ 10 ارب روپے کا پیکج دیا سامان گزار نے, کہاں سے؟ کچھ بھی نہیں ملا, ایسے ہی یہ لائنوں میں پتہ نہیں کیا کیا کر کے گھر سے آ رہے,
बच्चों का भूखा मारे, कोरोना से मरे या भूख से मरे। सवाल तो ठीक है इनका, या कोरोना से मरेंगे या भूख से मरेंगे। तो उस्मान बुजार साहब, ये जो 10 अरब रुपए का आपने पैकेज दिया है, तो ये इनसे पूछ लें कि इनको मिले हैं पैसे? अभी तो वो उन्होंने अनाउंस किया, अभी तो वो पॉलिसी है ही नहीं। मरेंगे तो तब देगा। ये क्या अनाउंस करते हैं खबरों में, तो देने पे किसी को नहीं मिलता। जो सफेद पोश है कहाँ जाए? सफेद पोश तबका रुल गया जी, यही बात है। सफेद पोश तबका, हाँ जी, सफेद पोश तबका रुल गया। क्या करें हम, क्या करें हम? तो ये हालात हैं कि आंटी भाग रही है। सब सफेद पोश कहाँ जाए? काम में जो बच्चे जाते हैं फैक्ट्रियों में जाते हैं, जो काम करते हैं वो कहाँ जाए? जो काम करते हैं तो वो किधर जाए? तो ये देखें, ये लोग खड़े हैं लाइनों में और एहतियाती तदाबीर भी कुछ नहीं है। तो नाज़रीन आगे चलते हैं और बात करते हैं मज़ीद, आगे चल के दाता दरबार वाली साइड पे जाते हैं और मज़ीद लोगों को भी प्रोग्राम में लेते हैं। तो मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, लॉकडाउन से तो गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है वो जीरन हुई हुई है और कोरोना भी जो है वो अपने वार जारी रखे हुए है। तो मैं इस वक्त यहाँ पर आया हूँ दरबार हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी के बाहर जो है वो मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सामने दरबार हज़रत दाता अली हजवेरी है। तो ये जगह है, यहाँ पर हर वक्त जो है वो लंगर 24 घंटे चलता था और इस लंगर से जो गरीब अवाम हैं, परदेसी हैं या मलंग हैं, तो वो यहाँ पर लंगर खाते थे। लेकिन लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल के बाइस जो है वो अब इनको लंगर भी नहीं मिल रहा है और ना इनका कोई घर है और ना ही इनके पास कोई छत है जहाँ पर ये रह सकें। कुछ परदेसी हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से परदेसियों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक बंदा मौजूद है, जानता हूँ किधर से आए हो आप? तेरा गाजी खान से आए हैं आप तो उस्मान बुज़दार साहब के इलाके से आए? हाँ जी सर। तो यहाँ क्या करते हो आप? यहाँ पे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं आप? तो कोई डर खौफ है? डर खौफ कोरोना का यहाँ कोई बैठने नहीं देता जी, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पुलिस वाले डंडे मार दे, काम कारोबार नहीं आगा, हम फिर कहा जाए? ये जो शराब बने ना गए तो बंद है ना, बंद कर दिए ये यहाँ नहीं सोने देते। यहाँ पे कोई आप रात को सोने आए तो डंडे मारते। ये जो इधर होती थी शराब, यहाँ पे 50 रुपया लेकर सोते थे लोग, वहाँ भी नहीं सोने देते। भाई वो कोरोना है ना, कोरोना मार देगा। कोरोना लेकर अल्लाह पाक से बड़ा कोरोना नहीं, अल्लाह पाक का जो हुक्म है वो होता है। ये अल्लाह को नहीं मानते, कोरोना को मानते हैं। इनको चाहिए अल्लाह को माने, उस पर यकीन करें, अपना ईमान कायम करें, तो सब बातें होगी। तो कुछ रोटी रोटी मिल रही है? ये सारा मुद्दा हमारे अहले तशी भाइयों पे डाल रहे हैं जी। ताफ्तान से वो आए हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, भाई ऐसा कोई बात नहीं है, अल्लाह के फजल व करम से। तो आप देखो ना, आप लोग ये रश रुश जो है, यहाँ पर लोग सारे रश डाल के खड़े हैं और यहाँ पर इनको पता ही नहीं है कि कोरोना आया हुआ है। क्यों भाई, कोरोना से डर नहीं लग रहा? नहीं, हमें कोई परवाह भी नहीं है। क्यों? कोरोना हमारा ईमान मजबूत है, नमाज पढ़े कुछ भी नहीं है। नमाज तो पढ़नी चाहिए ना भाई, नमाज के बगैर तो हर चीज नामुकम्मल है। तो रोटी मिली है? नहीं, सुबह से भूखे हैं सर जी। तो अपने गांव में क्यों नहीं जा रहे वापस? वहाँ पे कैसे कैसे गाड़ी नहीं है सर, कुछ नहीं है, ना रास्ता है, ना कोई काम, ना ट्रेन है, ना कोई और है, किस तरह लोग जाएंगे? नहीं सर, कोई कारोबार भी नहीं है, दुकानें बंद और कुछ नहीं। सर कश्मीरियों की बात दबा है उसने, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। देखो ना, जाइए काम को खोलना, मैं यार मजबूर आदमी हूँ। आजकल परेशानी बहुत है, लेकिन इतने दिन हो गए हैं, लेकिन परेशानी में मैं। लोग परेशान हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉकडाउन जो हुआ है और कोरोना, जारी बात है अब मर्ज भी एक कोरोना आया हुआ है, लेकिन ये जो लोग हैं इनको तो ना कोरोना से डर लग रहा है। ये कह रहे हैं हम कोरोना से तो जो है वो शायद ना मरे, लेकिन भूख से जो है मर जाएंगे। यहाँ पर तो लंगर चलता था 24 घंटे। तो अब देखिए यहाँ पर ये इन्होंने 3 टाइम जो है वो खाना भी खाना है। तो जारी बात है ये इनको किसी कोई एहतियाती तदाबीर इन्होंने नहीं बनाई है। तो बताओ भाई, मरे ना मरे भूख से मर जाएंगे, उस दिन तो मर जाएंगे, भूख से तो हम मरेंगे मरेंगे। तो ये देखें, लेकिन पुलिस भी जो है वो इनको एहतियाती तदाबीर बनाने के लिए कहती है, पुलिस इनको आती है, वो मुंतशिर भी करती है, इनको साथ भी ले जाती है, लेकिन इसका कोई पक्का हल नहीं है। कि लॉकडाउन तो हो गया है शहर लाहौर में, रास्ते भी देखें आप कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये सामने पनाह गाहें हैं। पनाह गाह दाता दरबार आप देख सकते हैं, ये पनाह गाह भी जो है वो बंद है।
इसलिए बंद है क्योंकि कोरोना के साए हैं, और कोरोना अपना जो है वो वजन डाल रहा है। तो दाता हजूर हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के सदके ही ये मेरे साथ सब दुआ करो कि इनके सदके ही जो है वो कोरोना की वबा ख़त्म हो जाए पाकिस्तान से, ताकि लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिले, लॉकडाउन खुले। तो जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होगा तो ये कैसे होगा? तो नाज़रीन प्रोग्राम में आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा, ये एक शहरी देखें, ये बेचारे यहाँ पर परदेसी हैं, पता नहीं किस सलाब में, ये क्या खा रहे हो? रोटी खा रहा हूँ, सूखा टुकर। दिखाए मेरा कैमरा मैन, सूखा टुकर। तो किसी हुकूमत ने आपको इमदाद नहीं दी? नहीं। कहीं खाना खुना हुकूमत की नहीं मिला भाई, नहीं मिला नहीं, नहीं, नहीं भाई जान। लोगों को दे रहे हैं, तो जो ना खास है ना, उसको दे रहे हैं। वो मिला कुछ खाने के लिए? सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ मिलता है, ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो भाई यहाँ पर जो हालात हैं कोरोना वायरस, तो कोरोना ख़त्म होगा, एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए, लेकिन इनको क्या है एहतियाती तदाबीर से। तो नाज़रीन आगे चलते और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। लाहौर को हमने एक दफा वॉश कर दिया और दोबारा नए सिरे से कर रहे हैं। रोज न्यूज के चेयरमैन की तरफ से इनको और इनकी टीम को सलूट करता हूं कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं जो कि फायर ब्रिगेड लाहौर का अमला इस वक्त बड़ी मेहनत कर रहा है, और कलोरिन मिला स्प्रे जो है वो शहर की शराहों में गलियों में किया जा रहा है। तो मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा कि आपका ओहदा क्या है और आपका नाम क्या है? मैं फायर ऑफिसर हूँ, इमरान रामे मेरा नाम है, और फोकल पर्सन हूँ मैं। ये जो जितनी भी जो स्प्रे चल रही है इन्फेक्शन की, उसका मैं फोकल पर्सन हूँ, और पूरे लाहौर को हमने एक दफ़ा वॉश कर दिया और दोबारा नए सिरे से कर रहे हैं। पूरे लाहौर को। और मेरे साथ 112 और LWMC का सारा अमला मेरे साथ है। पूरे लाहौर में आप ये स्प्रे करें, इससे काफ़ी बेहतरी आई है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे जो इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा था वो नहीं हो रहा। अल्लाह के फजल करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सारा कुछ। तो नाज़रीन, ये हैं वो सिपाही पाकिस्तान के जो अपने शहरियों का महफूज रखने के लिए अपनी जानों की परवाह भी ना करते हुए, देख रहे हैं आप कि ये स्प्रे कर रहे हैं क्लोरीन मिला हुआ, और शहरियों का महफूज रखने के लिए, ये कोरोना वायरस के जो जम्स हैं उनसे बचने के लिए। तो मुझे ये बताइएगा, फायर ऑफिसर्स हैं आप लाहौर के, तो कितना अमला है आपके पास? मेरे पास 200 का अमला है जी, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं और बगैर किसी खौफो खतरे के। गवर्नमेंट ने हमें प्रोटेक्शन के लिए हर चीज़ दी है, हमें PPE पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट जितने भी हैं वो हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं लाहौर में, जो जहाँ पे पेशेंट आ जाता है पॉजिटिव, तो फिर वहाँ पे आप जाती है टीम? उसी वक्त जाते हैं जी, यूँ ही हमें इतला मिलती है हम उसी वक्त जाते हैं और जाके उस एरिए को डिसइंफेक्ट करते हैं, स्प्रे करते हैं कि यहाँ पे किसी और को मसला ना बने। तो ये नुकसानदेह तो नहीं है ना वैसे सांस के मरीजों? नहीं जी नहीं, हम उसकी रेशो के हिसाब से काम कर रहे हैं, किसी को ये फायदेमंद है नुकसानदेह? WHO के मुताबिक जी। तो नाज़रीन आपने देखा है कि जो अमला है शहर लाहौर में तैनात इस वक्त, पुलिस हो चाहे कोई भी हो, तो मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी सड़कों में मौजूद है, सड़कों में मौजूद आवाम की लॉकडाउन के दरमियान जो है वो रहनुमाई भी कर रही है। तो इस वक्त तमाम इदारे जो हैं इनको सलूट पेश करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ट्रैफिक वार्डन को सलूट पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तो कैसी है आप मदद कर रहे हैं लोगों की? बस लोगों को बता रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, इसके अलावा लोग बाहर कम से कम निकले, जो पता है आपको जो आज। अच्छा, ये जो लोग डबल सवारी भी कर रहे हैं और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको घरों में बैठना चाहिए, तो ये क्यों नहीं बैठ रहे हैं?
इनको चाहिए बैठे घरों में, इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। डबल सवार हुई है जो रिक्शे आते हैं बाहर, इनको पकड़ते हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चलान देते हैं इनको। जो काम पेशा है जैसा कि हेल्थ के मुलाजमीन, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ या जो जिनकी शॉप्स हैं सब्जी की या खाने पीने की, तो उनको इजाज़त है? जी उनको बिल्कुल इजाज़त, मेडिकल स्टोर वगैरह जो फार्मेसीज है उनको इजाज़त। इसके अलावा कोई अगर खुदा न खासा इमरजेंसी हो जाती किसी को, किसी के साथ कोई पेशेंट है तो उसको परमिशन है को बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सबको चाहिए कि घर में रहें बिला वजह गैर जरूरी घर से। हाँ ये बात है कि घरों में रहें, देख लें ये आपकी हिफाजत के लिए। जी घर में रहेंगे तो हम सबका फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। तो पुलिस के अमला भी यहाँ पर मौजूद है, तो रोड जो हैं, रोड डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे मैं जानता हूँ कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं आवाम की खिदमत। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। सलाम, क्या कैसे हैं आप, क्या खिदमत कर रहे हैं आप? बस लोगों को सुलझा बुझा ही रहे हैं कि घरों में रहें, गैर जरूरी बाहर ना निकलें, गाड़ियों को भी गैर जरूरी बाहर लेके ना फिरें। ठीक है ना जी, हालात ऐसे नहीं हैं कि गैर जरूरी जो है ना वो आप अपनी अपनी आमदोरफ्त जारी रखें। किसी ऐसी नगानी सूरत हाल से बचने के लिए सबसे बेहतर यही है कि जो है सेफ़ डिस्टेंस और घरों से दूर अपने घरों में रहें, सेफ रहें, बच्चों के पास रहें, और कोई काम है तो वो घर के अंदर गए के करें, बाहर घूमें, सेफ रहें। गैर जरूरी जो है वो घरों से ना निकलें जब तक हुकूमत जो है क्लियर नहीं देती कि कोरोना वायरस का आखिरी मरीज भी सेहतयाब हो गया, तो तब तक जब तक आपको हुकूमती हिदायत नहीं मिलती तो अपने घरों में रहें, अपने घरों में जो है वो फासी तदाबीर अपनाएं, सोशल फासला कम से कम रखें। तो नाज़रीन आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। पूरे लाहौर को हमने एक दफा वॉश कर दिया और दोबारा नए सिरे से कर रहे हैं। रोज न्यूज़ के चेयरमैन की तरफ से इनको और उनकी टीम को सलूट करता हूं कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो आज वो वक्त है नाजरीन के एक दूसरे के काम आना बहुत जरूरी हो गया है। एक तरफ कोरोना के वार जारी है और दूसरी जानिब गरीब को जो है वो भूख मारती जा रही है, लेकिन इसी सूरत हाल में कुछ ऐसे ट्रस्ट और ऐसे लोग और ऐसे इदारे हैं जो मुतासरीन की और जो लॉकडाउन के दौरान जो मुतासर हुए हैं उनको उनके घरों में राशन पहुंचा रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अली अजवेरी, फ्री ड्रग बैंक के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं रियाज शाहिद। तो रियाज शाहिद साहब, ये मैंने अभी कहा कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, तो मुझे बताएं कि ये लॉकडाउन हुआ तो गरीबों की तो बड़ी लिस्ट होगी आपके पास। नहीं, हमारे पास लिस्ट इसलिए है कि हम तकरीबन 1000 मरीज़ों को रोज़ाना यहाँ मेडिसन देते हैं। उसके अलावा जो हमारा फ्री डायलिसिस सेंटर जो मियाँ मुंशी में चल रहा है, वहाँ पे जो डायलिसिस के मरीज़ हैं, हमने सबसे पहले उनके हालात को देखते हुए उनको उनके घर लंगर पहुँचाने का बंदोबस्त किया। हम इस वक्त तक 50 घरों में हमारी एम्बुलेंस जो है ना वो राशन पहुंचा चुकी है और 100 हमने दोबारा तैयार किए हैं जिनको हमने पहुंचाना। तो इससे लोगों को तो काफ़ी रिलीफ होगा जो आप लोगों के साथ अटैच हैं लोग। वो रिलीफ इसलिए है कि हम तकरीबन एक महीने का पूरा राशन दे रहे हैं जिसमें 20 किलो आटा भी है, 5 किलो चावल है, 5 किलो चीनी है और दालें हैं, एक एक किलो की चाय की पत्ती है, साबुन 3 है, डिटोल और जो कपड़े धोने वाले वो लैदा है, नमक का पैकेट है, ऐसी हर चीज़ें हमने पूरा पैक करके दिया उनको। तो इससे लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल रहा होगा। बहुत हो रहा है। तो ये हुकूमत को भी तो 10 अरब रुपए का पैकेज दिया सामान गुजार ने, तो उससे आप समझते हैं कि लोगों को रिलीफ मिलेगा? नहीं, वो तो जो आप लिस्टें बना रहे हैं वो तो अभी मेरा ख्याल है कि 3-4 तारीख तक उसकी लिस्टें बनेंगी, उसके बाद वो इजी पैसे से पैसे भेजेंगे। पैसे भेजेंगे? पैसे भेजेंगे, हाँ जी। उन्होंने को फॉर्म नेट पे जारी किया है कि वो तो हमारे पास तो गरीब शहरी हैं, इनको तो नेट चलाने नहीं आता। हाँ, वही ना, इसलिए तो परेशानी ज़्यादा है। और मैंने तो आपके जो लोग हैं वो कौन से फंडिंग करते हैं? हमारे तो सबसे पहले तो जो हमारे सदर हैं ना डॉक्टर ज़ीरुल हसन मीन, उन्होंने अपने पहले पर्सनली तौर पर ये काम पहले शुरू किया है राशन के लिए। उसके बाद उनके उनके अजीज़ हैं, उनके भाई हैं लंदन में, उनकी सिस्टर है और दूसरे जितने भी हमारे डोनर इस वक्त जो हमें मेडिसिन देते हैं वो भी पूरी तरह हमारे साथ आम। देख लें नाजरीन के ये बड़े बड़े लोग हैं और यहाँ पर आप मेरा कैमरामैन दिखाए कि यहाँ से मेडिसिन भी जो है वो दी जा रही है। इसी तरह हमारा स्केटर एंड ट्रस्ट जो है वो भी इसी तरह ही काम इस वक्त सरंजाम दे रहा है रोज़ न्यूज़ चैनल का भी। तो इस वक्त ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आने की,
क्योंकि जो मुखय्यर हजरात हैं जब तक मुखय्यर हजरात आगे नहीं आएंगे अपनी कचोरियों के मुंह नहीं खोलेंगे तो गरीब को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त जो है गरीबों का ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं इसमें कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, दिहाड़ीदार तबका रुल गया है, तो उनको संभालने का ये नादर मौका है और निकियाँ समेटने का भी नादर मौका है कि अगर आपने अपना जन्नत में मुकाम बनाना है तो आप गरीबों की मदद करें, गरीबों को ढूंढें और गवर्नमेंट की भी बताई हुई इत्यादि तदाबीर अपनाएं और लाइनें भी ना लगवाएं ताकि लोगों को मुश्किल ना हो और सेल्फी माफिया भी ना करें कि आप लोगों को राशन दें और सेल्फियाँ खिंचाते फिरें। तो इस वक्त ये ज़रूरत है, इस वक्त वतन को आपकी ज़रूरत है, वतन के लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो नाज़रीन प्रोग्राम में आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन जैसा कि आपने प्रोग्राम में देखा है कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल के बाइस गरीब के साथ हो रहा है, उनको राशन नहीं मिल रहा है और लंबी लंबी कतारें भी मौजूद हैं, दाता दरबार के मलंग भी जो है वो लंगर से महरूम हैं, तो दूसरी जानिब एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम हेल्थ का नाम देते हैं, महकमा सेहत के वो जानसार सिपाही हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हॉस्पिटल्स में वार्ड्स आइसोलेशन कायम की और ये ऐसे ही नहीं होगी कि आपने ऐसे जादू किया और ये बन गई, ऐसे नहीं हुई, इसमें बड़ी मेहनत की गई है और ये मेहनत की है मियो हस्पताल के स्टाफ ने, जिसने जब कोई हॉस्पिटल तैयार नहीं था महकमा सेहत का लाहौर में तो उस वक्त मियो हस्पताल तैयार था, तो मियो हस्पताल की पहली कोरोना वार्ड जब कायम हुई एमरजेंसी के ऊपर तो उस वक्त मैं खुद और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मियो हस्पताल डॉक्टर तारिक लील ने उस वार्ड में खड़े होकर इसी तरह इंटरव्यू किया था। तो आज मियो हस्पताल के हालात ही कुछ और हैं, आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ ने दिन रात कोशिशें करके यहाँ पर आइसोलेशन रूम्स कायम किए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर असद असलम खान जो कि आपके सामने खड़े हैं और मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और रोज़ न्यूज़ के चेयरमैन की तरफ से इनको और उनकी टीम को सलूट करता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो डॉक्टर असद असलम खान साहब, कोरोना के वार तो जारी हैं, तो आपको चेयरमैन भी हैं कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के और चीफ एग्जीक्यूटिव न्यू हॉस्पिटल भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त करंट सूरत हाल क्या है, कितने आपने सेंटर आइसोलेशन सेंटर बना लिए हैं अब तक और महकमा सेहत क्या कर रहा है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महकमा सेहत एक बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत चल रहा है और वो ग्रेजुअली बिल्डअप करके मैक्सिमम सहूलियात देने के स्टेज तक पहुँच चुका है। सबसे पहले हमने मेयो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम जिसमें शामिल है तारिक खलील साहब, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के सदर तनवीर भट्टी साहब, सब शामिल हैं, हमने मिलकर इसको पहला सेंटर इस्टेब्लिश किया, आइसोलेशन रूम तैयार किए, आइसोलेशन वार्ड तैयार की और अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम लगा आपको? हमें देखे जी, जिस वक्त यहाँ पर कोरोना वार्ड का पहला पेशेंट आया था उससे 15 दिन पहले हम तैयार थे मरीज़ को रिसीव करने के लिए और अब हम इस वक्त 450 से 500 बेड हम तैयार कर लिए हैं और 28 हमारे पास आइसोलेशन रूम्स हैं और 400 साढ़े 400 से ज़्यादा हमारे पास इनके पॉजिटिव पेशेंट को अकोमोडेट करने के लिए बेड्स हैं, बेड तैयार। तो वेंटिलेटर्स कितने हैं आपके पास? पूरे मेयो हॉस्पिटल में 85 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन हमने 16 वेंटिलेटर सिर्फ खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ी तो कोरोना के सीरियस पेशेंट के लिए हमने अलग सेपरेट आईसीयू एस्टेब्लिश। डेथ कितनी हुई है अब तक मेयो हॉस्पिटल में? अभी तक मेयो हॉस्पिटल में 3 डेथ हुई हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, ये डेथ जिनकी हुई हैं 3 डेथ में से 1 कोरोना रिलेटेड है और बाकी दूसरी बीमारियों की वजह से हुई है। मल्टीपर्पज लोग ये ना डरें कि खुदा ना खास्ता कोरोना लग जाए तो कोई मोर्टेलिटी हो जाती है, इन 3 में से 2 मरीज थे वो किसी और बीमारी की वजह। एज क्या थी? एक की तो 57 ईयर्स, एक की तो 73 ईयर्स थी और एक 41 ईयर। 41 वालों को कुव्वत मुदाफ़त कम हो उनको ये नुकसान दे सकता है। उनको फालिज था, उनको क्या नाम लकवा था, उनको और बहुत सारी बीमारियाँ थी, ऊपर से उनको कोरोना हो गया तो वो बाद में टेस्ट कराया तो कोरोना निकला, लेकिन उनकी डेथ कोरोना की वजह से नहीं हुई, उनकी डेथ फालिज की वजह से हुई, इस्कीमिया, ब्रेन इस्कीमिया की वजह से हुई। अच्छा, तो नाज़रीन आप देख रहे हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव मियो हॉस्पिटल और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मियो हॉस्पिटल डॉक्टर ताहिर खलील मेरे साथ हैं, तो आपने देखा है कि जो मियो हॉस्पिटल है वो इस वक्त फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा है। तमाम हॉस्पिटल्स आप लाहौर के देख लें कि वहाँ पर मरीजों को भी नहीं लिया गया, कई ऐसे वाक़ात भी हुए, लेकिन जो मियो हॉस्पिटल था वो इन मसीहों की बदौलत
ये जो खड़े हैं, इनकी बदौलत वो इनको मरीजों को यहाँ पर आसरा मिला और इन्होंने बड़ी तादाद में आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो कायम की। और ये देखें, ये आइसोलेशन वार्ड है, आप देखेंगे डॉक्टर्स, नर्सिस, और नर्सिस का जो सबसे अहम किरदार है वो इस वक्त बहुत अहम है। नर्सिस जो हैं वो यहाँ पर 24 घंटे वर्क कर रही हैं और इनकी अब ड्यूटी भी जो है वो तकरीबन 8 घंटे होती है एक शिफ्ट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मनाजर हैं, क्योंकि हम ज़्यादा करीब नहीं जा सकते तो हम ये यहाँ तक ही रहेंगे। और डॉक्टर्स जो हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत रोल है, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ ने भी मरीज़ के पास जाना है कोरोना आइसोलेशन वार्ड में, इसी तरह नर्सिस ने भी जाना है। तो डॉक्टर असद असलम खान साहब, मैं तो देखें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो कोरोना है ये कब तक आप देखते हैं कि ये ख़त्म होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हिसाब से लॉकडाउन हुआ है और जिस हिसाब से गवर्नमेंट इन लोगों को जिनमें पॉजिटिव है और उनके घरों को उन्होंने क्वारंटाइन में रखा हुआ है, मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस वबा से निजात हासिल कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिंध में आपने देखा कि उन्होंने कर्फ्यू भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, और यहाँ पे भी आपने देखा कि लाहौर में हम जिंदा दिलाने लाहौर को कैसे समझाएं कि वो उनको समझ क्यों नहीं आती कि यार एक लॉकडाउन हुकूमत ने बनाया लेकिन उसके बावजूद भी वो फिर भी बाज नहीं आए और सड़कों में भी फिर रहे हैं, गली मोहल्लों में भी फिर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? देखें, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुना कि वो कर्फ्यू लगा सकते थे, लेकिन वो कहते थे कि लोगों को नाम पर कर्फ्यू लगा दिया तो बेचारे भूख से मर जाएंगे। उन्होंने इसका एहसास करते हुए इतनी ज़्यादा दे दी कि वो अपने चीज़ें खाने पीने की ले आए, लेकिन लोग एहतियात नहीं कर रहे। अभी भी फैमिली पूरी की पूरी पिकनिक के मूड में घरों से बाहर निकल रही हैं। एक मोटरसाइकिल पर एक साहब अपने बीमार अहलो अयाल वो जा रहे होते हैं, लोग बच्चे सड़कों पर क्रिकेट खेल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मास्क है ये हर बंदे ने मास्क पहन लिया है, तो ये मास्क किन हालात में पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए? वहाँ चाहिए जहाँ पर कोई ऐसे पेशेंट के आपका ख़तरा हो कि जो पेशेंट कोरोना का हो, मसलन डॉक्टर जो आउटडोर में काम करते हैं या इमरजेंसी में काम करते हैं वो सिर्फ सिंपल सर्जिकल मास्क की ज़रूरत है। वो डॉक्टर जो कोरोना काउंटर पर काम करते हैं उनको N95 की मास्क की ज़रूरत है, प्रोटेक्टिव ग्लास की ज़रूरत है, ग्लव्स की ज़रूरत है और सिंपल गाउन की ज़रूरत। अच्छा, ये जो बड़ा रोला भी पड़ रहा है कि जी पीपी किट नहीं है डॉक्टर्स की जानिब से, ये देखा होगा आपने, आपके भी नज़र में आया होगा कि ये पीपी किट जो है वो किस मुकाम पे और किस वार्ड में बहुत ज़रूरी है, आम वार्ड में और कोरोना वार्ड में क्या डिफरेंट है? ये देखें, पीपी के जहाँ तक तल्लक है, मैं आपको मे हॉस्पिटल की एग्जाम्पल दूँगा कि जब हमारे पास पहले कोरोना का पेशेंट आया उस वक्त हमारे पास 900 किट्स मौजूद थी। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने अपने ज़मीर का साथ नहीं दिया और किट्स गायब कर दी मार्केट से और 1 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। तो ये बोला बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए। तो लोगों ने इस स्टेज पर जबकि सिपाहियों को, जब डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ को उनको तैयार की ज़रूरत थी, वो गायब कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हुकूमत ने हमें इतनी प्रोवाइड कर दी है कि जो सियाक कमेटी जो है, एडवाइजर कमेटी, उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक, हर स्टेज के मुताबिक हमने हॉस्पिटल में लोगों को वो प्रोटेक्टिव। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या बनाया है, ये काउंटर किस चीज़ का? ये है कि कोई पेशेंट घर से खाना मंगाना चाहता है तो हमने मना नहीं किया, घर से खाना मंगा लें, लेकिन वो डिस्पोजेबल आय में है। ये यहाँ पर एंट्री ये इसलिए लिखवाई है कि किस वक्त वहाँ से आया है, किस वक्त रिसीव किया है और पेशेंट को किस वक्त डिलीवर हुआ है। ये ना हो कि यहाँ पर कोई एक घंटे के लिए लेके बैठ जाए। तो हम टाइम चेक करते हैं कि अगर दोपहर को 1 बजे आया है तो 1:10 तक पहुँच जाना चाहिए। ये ना हो कि वो 3 बजे। और क्या क्या इंतजाम किए हैं आपने मरीजों के लिए? बाकी मरीजों के अंदर जो वार्ड हैं उन्होंने काफ़ी लंबे पीरियड अंदर रहना, 2-14 दिन रहना है उन्होंने यहाँ पर। उनके हर वार्ड में हमने टीवी लगा दी है, केबल लगा दी है, हमने वहाँ पर उनको फल, बिस्किट, चिप्स और इसके अलावा अब हमने चाय की कैटल भी दे दी है, साथ दूध और टी बैग भी दे दिए हैं कि वो वहाँ पर जो इस्तेमाल खाना चाहें जो करना चाहें। और LCD वगैरह भी कोई लगाई है? LCD लगा दी है जी, लगा दिया। तो नाजरीन, आपने देखा है कि मियो हस्पताल लाहौर में डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मरीज़ हॉस्पिटल्स में आ गए हैं और जो लोग बाहर हैं शहरी, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो एहतियाती तदाबीर बनाने की ज़रूरत है। जब तक वो एहतियाती तदाबीर नहीं बनाएंगे तो वो कोरोना से महफूज नहीं रह सकते। तो जो तिब्बी माहरीन आपको कह रहे हैं, हुकूमत जो कह रही है, इस पर अमल दरामद करें
और इतने प्रोग्राम्स हो गए, इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी भी शहरी वो हजूम की शक्ल में खड़े होते हैं लेकिन वो बाज नहीं आते, तो उनको अभी बाज आ जाना चाहिए। अगर इस वबा को शिकस्त देनी है तो आपको तिब्बी माहरीन की राय पर जो है वो 100% अमल करना होगा। डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और जर्नलिस्ट, ये इस वक्त जो हैं वो फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ। हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और आपको सच बता रहे हैं। पूरे लाहौर को हमने एक दफा वॉश कर दिया और दोबारा नए सिरे से कर रहे हैं। रोज न्यूज के चेयरमैन की तरफ से इनको और इनकी टीम को सलूट करता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। अच्छा नाज़रीन, इस मौके पर जो है वो उलमा कराम को भी बड़ा रोल अदा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए। तो मेरे साथ उलमा प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। गज़नवी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह। तो ये बताएं कि वबा आई हुई है तो उलमा क्या किरदार अदा करें? जी, उलमा का काम है कि इस मौके पर अवाम में अवेयरनेस पैदा करें और जो मुल्की कवानीन है, मैं तमाम उलमा कराम से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो मुल्की कवानीन है उसके मुताबिक जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, अवाम को ये शऊर दें कि उन पर लाजमी अमल दरामद करना है और मुल्की कवानीन को मानना भी इस्लाम का लाजमी जुज है। इसलिए जो भी एहतियातें हैं सब लोग उस पर कारबंद हों, ये पैगाम उलमा को हर जगह से पहुँचाना चाहिए। क्यों जी, वबा आई है और हालात भी देखें आप, गरीब तो बेचारा भूख से मर जाएगा अगर कोरोना से ना मरा तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वबाएँ मुख्तलिफ दौरों में पहले भी आई हैं। इस्लामी नुक्ता निगाह ये है कि जब भी कोई ऐसी वबा आए तो उससे घबराना नहीं है बल्कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदा रेज़ होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा करनी है। मिंबर व मेहराब से हमेशा सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई ही के ज़रिए से पाकीज़गी आती है और ये बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। उलमा मिंबर व मेहराब से इसका इस पर किरदार अदा कर रहे हैं और इस पर आगाही दे रहे हैं। जो हुकूमती तदाबीर बताई जा रही हैं उसका अगर हकीकी पैगाम कहीं से जा रहा है तो वो मस्जिद के मिंबर व मेहराब से जा रहा है। तो नाज़रीन, आज हम अपने जो प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे तो वो गज़नवी साहब से मैं गुजारिश करूँगा। आज मैं अख्तितामी जुमले जो है वो अदा नहीं करूँगा, आज अख्तितामी दुआ जो है उसके साथ इस प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं गज़नवी साहब से गुजारिश करूँगा कि गज़नवी साहब आप ज़रा दुआ करवा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आले मुहम्मद। या अल्लाह पाक, हम तेरे आगे सरबा सजूद हैं और हमने अपने हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह पाक, हमारे हाथों को खाली ना लौटाना। या अल्लाह पाक, हम तुझसे हिफ्ज़ व अमान तलब करते हैं। या अल्लाह पाक, हम तुझसे इस बीमारी से निजात तलब करते हैं। पूरी दुनिया से या अल्लाह पाक इस बीमारी का खात्मा फरमा दे। या अल्लाह पाक, पूरी दुनिया में दोबारा वैसी खुशहाली और वही सारा कुछ कारोबार जो चल रहा था दुनिया का, या अल्लाह पाक वो सारा कुछ वैसे ही बहाल हो जाए। या अल्लाह पाक, दुनिया में हमसे जो खताएं हुई हमें मुआफ़ फरमा दे। बेशक हर परेशानी और हर मुसीबत इंसान के कुछ अमाल का नतीजा होती है। या अल्लाह पाक, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अरहमुर रहमीन, तो रहम करने वाला है, हम खताकार हैं। या अल्लाह पाक, हमारी खताओं को मुआफ़ करके हम पर अपनी रहमत की चादर में हमें ढांप ले। या अल्लाह पाक, इस बीमारी को जड़ से ख़त्म फरमा दे। आमीन आमीन। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोज़ न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रह सकें।